तो चलो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं हम लोग। इसमें इसमें क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 2 kg है। तो चलो ले लेते हैं ये सॉलिड स्फीयर, और ये जो सॉलिड स्फीयर है जिसका मास ऑब्वियसली 2 kg है, तो चलो 2 kg मास ले लेते हैं। सॉलिड इज प्योर रोलिंग, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा, वही ओमेगा से घूम भी रहा अपनी एक्सिस पे, और इसका सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये रोड है, ऐसा कोई सॉलिड स्फीयर है जो प्योर रोलिंग कर रहा है। अब कहता है इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी 2 to 40 जूल है, इतने के आसपास है। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देखो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये रोलिंग कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन दोनों की वजह से होगा। ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2/5 mr² और v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/r। तो ये सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हाफ मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई एम ओमेगा, मतलब 2/5 mr² और ये यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी वी आर का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अगर इसको जोड़ोगे तो देखो कितना आता है। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी दिखेगी अगर तुम इसको जोड़ोगे तो यहाँ से r² ने r² को ख़त्म कर दिया और 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, तो ये बचा, इधर बचा mv² / 2 और इधर बचा mv² / 5, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा तो यह आ जाएगा 7 mv², ठीक है, / 10। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से दिया हुआ है, मास कितना था 2 kg, तो मास था 2 kg, तो 7 × 2 इज इक्वल टू v² / 10, मतलब ये आ जाएगा 7 v² / 5। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 2240, दैट इज 7 v² / 5, मतलब v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2240 × 5/7, सब कुछ अंडर रूट। तो यहाँ से तो ये जो वेलोसिटी है, अब इसको काट लो, तो ये जो वेलोसिटी है ओ 2240 7, दैट इज 40 m/s आ जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली 40 m/s आ रहा है। तो ये दिस इज द, यहाँ पर जो खाली जगह है उसको भरते हुए मुझे अच्छा लगता है, तो 40 m/s आ जाएगा। तो आई होप कि आसान सवाल था, एवरेज क्वेश्चन आया था।